इंसान आम हो या फिर हो सुपरस्टार, सब पे ये बात होती है लागू कि मनुष्य बलि नहीं होत, समय होत बलवान। और वक्त की धारा की यही कहानी इन कलाकारों के जरिए सुनिए और देखिए। विनोद मेहरा, जन्म 13 फरवरी सन 1945 में हुआ। अच्छी एक्टिंग की, अच्छी बड़ी हीरोइन के साथ काम किया और स्टारडम हासिल किया। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, जो हो रहा है वो भी होकर ही रहेगा। रोमांटिक गाने भी खूब इनके ऊपर पिक्चराइज किए गए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। पर जब वक्त आया तब सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ा। लगता तो जरूर है कि हर चीज हमारे हाथ में है, मगर असल में हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं। कहा गया कि कई मर्तबा शादी की, यहां तक कि सुपरस्टार रेखा से भी इनका विवाह हुआ। बाद में इस बात का खंडन किया गया। किस्मत सिर्फ तुम्हारे पति की खराब है हा? तुम्हें तो सिर्फ उनकी खुशी चाहिए जिन्हें तुम अपना समझती हो, ठीक है ना? पर मात्र 45 साल की उम्र में विनोद मेहरा ये दुनिया छोड़ चले गए। पैरेलल सिनेमा और थिएटर में अपना नाम कमाने के बाद निर्मल पांडे ब्रांड बन गए थे। जन्म 10 अगस्त सन 1962 में हुआ। बैंडिट क्वीन हो, दायरा रही हो या फिर ट्रेन टू पाकिस्तान और गॉड मदर, इस शहर में डॉक्टर खन्ना से बड़ा प्लास्टिक सर्जन और कोई नहीं है। मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, वो तेरे घर आएगा और तेरा चेहरा बदलेगा, समझा तू? मैंने इंतजाम कर लिया है। सभी फिल्मों में इनके काम की बहुत तारीफ हुई और इन्हें बेस्ट एक्टर वैलेंटी अवार्ड से नवाजा गया था फ्रांस में, उस किरदार के लिए जो इन्होंने निभाया था फिल्म दायरा में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से विधिवत तरीके से एक्टिंग सीख कर आए थे। फिल्मों में स्टेज पर नाम बढ़ रहा था, पर दिल का दौरा पड़ा और मात्र 48 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ चले गए। 18 फरवरी सन 2010 निर्मल पांडे ने आखिरी सांसें ली। 9 जुलाई सन 1925 वो कलाकार जन्मा जिसने फिल्म इंडस्ट्री की सोच बदल के रख दी। ऐसी फिल्में बनाई जो आज के फिल्म मेकर्स भी सोच ना पाए, चाहे वो प्यासा रही हो। जब हम चले तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले या आसमान चले, जब हम रुके तो साथ रुके शामे बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके, कागज के फूल रही हो, या फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी हल्की फुल्की फिल्म। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। पूरा परिवार था पर ये कलाकार गुरुदत्त बहुत परेशान था। पारिवारिक कलेश जरूर था पर सफलता इनके कदम चूम रही थी। और 10 अक्टूबर सन 1964 को यह खबर आई कि रात भर गुरुदत्त ने दरवाजा नहीं खोला। नींद की गोलियां और शराब का ओवरडोज हुआ और मात्र 39 साल की उम्र में यह कलाकार ये दुनिया छोड़ चला गया। 9 जुलाई सन 1938 जबरदस्त एक्टर जन्मा। कुछ समझा नहीं सेठ जी, इसमें समझने की क्या बात है? झोपड़ी से महल का रिश्ता। हीरो बनाया, विलेन बनाया, बनाया ऐसे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट भी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा हो या फिर कलर्ड, इस लड़के ने कमाल कर दिया था। अपने शुरुआती दौर में ही दिलीप कुमार के सामने ऐसा अभिनय किया था कि सब हिल गए थे। तुम मुझे 500 दोगे, मैं निशा को दूंगा, निशा मुझे देगी, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। लेजेंडरी स्टेटस पा लेने के बाद मात्र 47 साल की उम्र में संजीव कुमार ये दुनिया छोड़ चले गए। 6 नवंबर सन 1985। पर इन कलाकारों ने कम समय में इतना काम कर दिया जो बहुत सारे कलाकार लंबे समय में भी नहीं कर पाते। इसलिए तो यही बात दोहराई जाती है कि मनुष्य बलि नहीं होत, समय होत बलवान। ऐसी और भी बड़ी अनोखी दिलचस्प दास्तानें सिर्फ पेस्ट्री रिपोर्टर पर।